तो जैसा आप लोगों को पता है कि भाई अपना आज मोटो G40 फ्यूजन फोन लॉन्च हो चुका है एंड मेरे हिसाब से भाई काफी सही फोन मोटोरोला ने लॉन्च करा है अगर आप लोग स्टॉक एंड्रॉइड को देखते हो तो, क्योंकि काफी सारे फोन्स आपको और मिल जाते हैं इस प्राइस के अंदर जिनके अंदर आपको अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, बट जहां पर उन पर कमी आती होती है उनके सॉफ्टवेयर में, उनके UI के अंदर कमी आ जाती है, यानी कि एड्स, ब्लोटवेयर, बग्स वगैरह, मतलब इन सारी चीजों की दिक्कत उनके अंदर मिलती है। बट मोटो G40 फ्यूजन के अंदर ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी अगर आप लोग स्टॉक एंड्रॉइड एंड ओवरऑल भी अगर पैकेज देख रहे हो तो आपको काफी प्यारा मिल जाता है 14,000 के प्राइस के हिसाब से। एंड अगर आप लोगों के पास ICICI बैंक का कार्ड है तो आप लोगों को 1,000 का ऑफ और मिल जाएगा अगर आप लोग इस फोन को इसकी फर्स्ट सेल के अंदर परचेज करोगे। मैंने काफी सारी बातें कर ली बट अब आपको स्पेसिफिकेशन एंड अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूँ इस फोन के बारे में, यानी कि देता हूँ ऑनेस्ट ओपिनियन। मजा आने वाला, मतलब बहुत ही भयंकर फोन है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले मोटो G40 फ्यूजन के बारे में। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर कर लेना, उसके लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। आप करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, मोटो भाई ने कमाल कर दिया, मतलब भाई सब बहुत ही सही फोन लॉन्च कर दिया। तो ये बात कर लेते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो अगर आप लोग को एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है तो अगर आप लोग को बड़ी डिस्प्ले पसंद है देन आपको इसकी डिस्प्ले काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। बाकी इधर आप लोग को 6.8 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिलता है, इधर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, इधर आपको पंच होल मिलते हैं जो आपको बैक मिलते हैं प्लास्टिक के मिलते हैं, बैक साइड के अंदर आपको 3 कैमरे मिलते हैं। आप लोग सोचोगे 3 कैमरे, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अभी चलते कैमरे डिपार्टमेंट के अंदर। जैसा आपको इधर आपको बैक साइड के अंदर 3 कैमरे मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल जो आपको अल्ट्रा वाइड का मिलता है, एंड इधर आप लोग को ऑटो फोकस का ऑप्शन मिलता है जिस वजह से आप लोग मैक्रो शॉट भी ले सकते हो 8 मेगापिक्सल से ही। तो ये चीज काफी ज्यादा काम की हो जाती है। एंड उसी के साथ इधर आप लोग को 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसिंग मिल जाती है। 4K रिकॉर्डिंग आप लोग इजीली कर सकते हो, उधर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बात की जाए सेल्फी की तो उधर आप लोग को 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। एंड ये फोन आपकी नियर टू नेचुरल कलर मतलब प्रोड्यूस करता, कोई सैचुरेटेड कलर प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब कैमरा से जो आपका आउटपुट आने वाला, जो आपके सामने इमेज आने वाली है उधर आपको काफी हद तक नेचुरल फोटो मिलने वाली है, ना कि आपको बूस्टेड फोटो मिलने वाली है। तो अभी चल लेते प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर। तो इधर भाई आप लोगों को प्रोसेसर भी एक नंबर का मिल जाता है। इधर आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 732G का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको एटेनम का प्रोसेसर मिलता है, टकोर का प्रोसेसर है, एटेनो का 618 का आपको GB मिलता है। यानी गेमिंग वगैरह कर लो, अगर आप लोग एडिटिंग वगैरह करते हो वो कर लो, मतलब मल्टीटास्किंग कर लो, मतलब बहुत सारी चीज जो भी आपका प्रोसेसर से जितना भी काम होने वाला है सारा OP मस्त होने वाला है, उधर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बात करते हैं बैटरी की, तो उधर आप लोगों को 6000 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का बोर्ड मिलता है, फोन आपकी 20W की थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करना, मतलब 20W ज़्यादा तो होती नहीं बट ठीक है, मतलब टाइम लगने वाला है थोड़ा सा ज़्यादा बट हाँ 20W ठीक है। बाकी 20W का फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो उधर आप लोगों को 3.5 mm का जैक मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, ऑफिस 2.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है। इस फोन का वेट थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलता है, इधर आपको 220 grams का वेट मिलता है, एंड थोड़ी सी थिकनेस भी आपको ज़्यादा मिलती है, इधर आपको 9.6 mm की थिकनेस मिलती है। बाकी इधर आप लोग को हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, स्प्लैश प्रूफ मिल जाता है, स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है, नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाते हैं, थोड़े से आपको फीचर्स वगैरह भी मिल जाते हैं मोटरोला के। बाकी इधर आप लोग को एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, वाइडवेल L1 मिल जाता है, कैमरा 2 MP मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो आपको बैक में मिलता है, फेस अनलॉक मिल जाता है, इधर आपको बेसिक सारे सेंसर मिल जाते हैं, कैरियर एग्रीगेशन मिल जाता है, एंड इधर आप लोग को NFC भी मिल जाता है। तो अगर आप लोग पैकेज वाइज देखते हो, एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह देखते हो, तो आपको काफी ज्यादा प्यारे मिल जाते हैं मोटो G40 फ्यूजन के अंदर। तो अभी बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो इस फोन के अंदर आपको जो बेस वेरिएंट मिलता है 4GB रैम 64GB की रोम का, उसका प्राइस आप लोगों को 14,000 का मिलता है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई थी, अगर आप लोग इस फोन को फर्स्ट सेल के अंदर लेते हो, ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड है या डेबिट, मेरे को ठीक से याद नहीं, बट जब मैं एडिट करूंगा तो मैं आपकी स्क्रीन पर आपको शो कर दूंगा क्रेडिट है डेबिट कार्ड है, अगर आप लोग उसको यूज करोगे देन आप लोगों को 1,000 का और ऑफ मिल जाएगा, तो आप लोगों को ये फोन पड़ जाएगा 13,000 का। तो 13,000 के प्राइस के हिसाब से स्टॉक एंड्रॉइड एंड मतलब अच्छी खासी बैटरी, अच्छी खासी डिस्प्ले, अच्छा खासा कैमरा, अच्छा खासा प्रोसेसर, एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह आपको मिलते हैं तो काफी सही आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग जाना चाहते हो इस फोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हो, एंड अगर मेरा बजट भी होता 13,000 का मैं इस फोन की तरफ बिल्कुल चला जाता। बाकी मेरे को थोड़ी सी 2-4 चीजें कमी लगी इस फोन के अंदर, जैसे कि थोड़ा सा बल्की फोन मिलता है, थोड़ा सा मोटा फोन मिलता है, दिखने में मेरे को पर्सनली इतना कुछ पसंद आया नहीं। अगर आप लोग इसको रेडमी नोट 10 सीरीज से कंपेयर करते हो तो मतलब थोड़ा सा उनके सामने फीका रह ही जाता है, क्योंकि उनके अंदर तो आपको ग्लास बैक वगैरह भी मिलता है नोट 10 प्रो या फिर नोट 10 प्रो मैक्स के अंदर। बाकी इसका कॉम्पिटिशन हम करने वाले रेडमी नोट 10 से, यानी कि कंपैरिजन करने वाले Redmi Note 10 से। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इस फोन ने Redmi Note 10 को किल कर दिया, बट काफी सारी ऐसी जगह जहां पर ये Redmi Note 10 से आगे निकलता है, एंड काफी सारी ऐसी जगह जहां पर अपना Redmi Note 10 आगे निकलता है, यानी कि दोनों के अपने अलग यूजर रहने वाले हैं। बाकी जल्दी हम लोग कंपैरिजन लेकर आने वाले, मैं जल्दी से मतलब मेरा कल से, आप लोग इस वीडियो कल देखोगे तो परसों तक आप लोगों को कंपैरिजन इस वीडियो का मिल जाएगा, मतलब
Redmi Note 10 वर्सेस Moto G40 Fusion का। बाकी आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे राय वगैरह बता सकते हो कि भाई आपको ये फोन कैसा लगा है, आप लोगों के ओपिनियन मेरे से मैच होते हैं नहीं होते, या फिर आप लोगों को ये फोन पसंद नहीं है, आप लोग कुछ भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पर मिलते हैं किसी बढ़िया ओपी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।